सामंजस्य बनाइए। वरिष्ठ लोगों का अनुभव और जवान की जवानी जब साथ साथ चलेगी तभी आंदोलन चलता है। हर आदमी एक ही आदमी एक दर्जन काम करना चाह रहा है। अरे मैं बहुत भिक्षु हूं, अगर परचून की दुकान खोलूंगा तो धर्म का काम कैसे कर पाऊंगा। आपको जिस काम में इंटरेस्ट हो उस काम में लग जाइए और उस जिंदगी को अपना उद्देश्य बना लीजिए। थोड़ी ताकत लगा दीजिए। टीवी हमारा साथ नहीं देती, अखबार हमारा साथ नहीं देते, सोशल मीडिया हमारा साथ दे रही है। इस कार्यक्रम को 50 देशों में देखा जा रहा है। ये उन्नाव का कार्यक्रम कितने देशों में देखा जा रहा है? 50 देशों के लोग देख रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं, कबीर को कौन मारेगा, कौन रविदास को मारेगा, कौन मान्यवर साहब को मारेगा। मरते वो है जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता जो समाज के लिए। कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे रहा है, इसलिए हमें बंद कमरों में, बंद हॉलों में कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा वैसे ही मैदानों में टेंट लगा करके हम कार्यक्रम करेंगे और पूरे देश से अपील करेंगे कि हमारा दर्द एक है, हमारी समस्या एक है, हमारा नारा एक है, हमारी पहचान एक है, हमारा आदर्श एक है, हमारी पुरानी विरासत एक है। तो क्यों नहीं हम इकट्ठे हो जाते बहुजन मैत्री सम्मेलन के नाम से, माध्यम से हम पूरे देश को इकट्ठा करने का काम करते हैं। आज उन्नाव की धरती पर हम बताना चाहते हैं, हम बौद्ध भिक्षु हैं, राजनंदन जी बाबा साहब के पूर्ण आपके सामने बैठे हैं। मैंने आपस में डिस्कस किया कि जो सत्ता परिवर्तन का काम कर रहे हैं वो मेरे लोग हैं, जो बहुजन समाज के हैं उन्हें सत्ता परिवर्तन का काम ईमानदारी से करने दिया जाए। 1000 जगह है हरियाणा और पंजाब में जहां बुद्ध की विरासत दबी है। विचार करिए, मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि कोई आप गरीब छोटे लोग नहीं हो, आप इस देश भारत के असली राजा माना जाओ। ये देश तुम्हारा है, तुम्हारे पुरखों ने, तुम्हारे महापुरुषों ने, तुम्हारे महानायकों ने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। और आखिर इस देश को हम कैसे गुलाम होने देंगे और दूसरों के कब्जे में चला जाएगा। जिन लोगों ने, जिन जालिमों ने, जिन सातिरों ने चालाकी से हमें जातियों में बांटा वो तो सफल हो गए, लेकिन हम इतने नालायक लोग निकले कि आज भी जातियों में बटे हैं और जाति जाति फिर रहे। मैं समझाना चाहता हूं, जब तक आप जातियां मजबूत करोगे कुछ राजनीतिक सामाजिक लोग आपका फायदा उठा लेंगे, लेकिन जब तक तुम समाज नहीं बनाओगे इस भारत में कभी शासक नहीं हो सकते। इसलिए आपको 85% बहुजन समाज बनाना होगा, उसकी अपनी एक पहचान बनानी होगी, उसकी एक अपने एक अपना मार्ग, एक आदर्श बनाना होगा। उन्नाव की धरती पर बहुत पहले से धर्म का कार्य चलता रहा। यहाँ तमाम जो लोग खड़े हैं, जितने भी लोग खड़े हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं है। किसी का 20 साल का अनुभव है, किसी का 40 साल का अनुभव है। सब लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से दान चंदा लगा करके आंदोलन को आगे बढ़ाया है। बाबा साहब की जयंती मनाई है, भगवान बुद्ध की जयंती मनाई है और धर्म का प्रचार प्रसार किया है, और ये बुद्ध विहार बनाने में भी सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा योगदान किया है। लेकिन मुझे, मैं आपको विश्वास ये दिलाता हूँ कि जो व्यक्ति पुरखों की, बुजुर्गों की, महानायकों की इज्जत नहीं करता और जब वो खुद बूढ़ा होता है तो उसे भी सम्मान नहीं मिलता। इसलिए उन्नाव के लोगों ने, जो हमसे सीनियर हैं, हमसे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, अगर उन्होंने आंदोलन चलाया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने पौधे लगाए हैं उन पौधों में हम पानी डालकर उन्हें हरा भरा बनाने का काम करें। ये जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए मैं नए बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, मैं जब इनसे मिलता हूँ तो ये बड़े बूढ़े लोगों की बड़ी बुराई करते हैं कि इन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, चंदा करते रहे, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे। सामंजस्य बनाइए। वरिष्ठ लोगों का अनुभव और जवान की जवानी जब साथ साथ चलेगी तभी आंदोलन चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संख्या में कम है उन्होंने अपने काम बांट लिए, जो संख्या में कम है उन्होंने अपने काम बांट लिए। कोई विद्यालय चलाएगा, कोई प्रचार करेगा, कोई मीडिया को संभालेगा, कोई राजनीति करेगा, कोई धर्म का कार्य करेगा और देश पर कब्जा कर लिया। अरे हम लोग कितने हैं, अगर ईमानदारी से काम बांट लें कि 100 लोग सिर्फ राजनीति करेंगे, 100 लोग सिर्फ धर्म का काम करेंगे, 100 लोग सिर्फ विद्यालय चलाएंगे, 100 लोग व्यापार करेंगे और 100 लोग सरकारी सेवा में जाएंगे, तो बताओ हम कब्जा देश पर करेंगे कि नहीं करेंगे। सर, लेकिन हर आदमी, एक ही आदमी
एक दर्जन काम करना चाह रहा है। अरे मैं बौद्ध भिक्षु हूं, अगर परचून की दुकान खोलूंगा तो धर्म का काम कैसे कर पाऊंगा? आपको जिस काम में इंटरेस्ट हो उस काम में लग जाइए और उस जिंदगी को अपना उद्देश्य बना लीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं आपके चेहरे में भी चमक आएगी और इस आंदोलन को भी आगे आप बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ एक आदमी एक साल में 5 काम बदल देता है। भगवान बुद्ध के 2500 वर्ष पहले कह गए कि डाल पास पास घूमने वाला आदमी जिंदगी में कभी स्थापित नहीं होता। यह शिक्षा लेने की जरूरत है, ये उद्देश्य बनाने की जरूरत है, ये लक्ष्य बनाने की जरूरत है। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी बहुत पुरानी है। मैं बार बार कहता हूँ, आज भी कहूंगा कि भारत की सबसे पुरानी संस्कृति है श्रमण संस्कृति। और श्रमण का मतलब है श्रम करके खाने वाला, मेहनत करके कमाने वाला श्रमण कहलाता है, और दंत लगा के खाने वाला, दूसरों को मूर्ख बना के खाने वाला ब्राह्मण कहलाता है। ये दोनों की परिभाषा है। अरे तुम्हें उनके साथ रहना हो तो ईमानदारी से रहो, दास बन करके, और अगर स्वाभिमानी साहसी योद्धा बनकर जीना है तो बाबा साहब की बात माननी पड़ेगी और बुद्ध की तरफ चलना पड़ेगा। ये बात अगर आज आपने निर्णय नहीं ले पाई तो आने वाली पीढ़ी आपको गालियां देगी। जब ये दुनिया आगे बढ़ेगी, साहित्य आगे बढ़ेगा, डिजिटल दुनिया होगी, तो कहेंगे ये लोग कि अगर बाप पागल थे तो ये निर्णय नहीं ले पाए कि जिन्होंने बाबा साहब की बात नहीं मानी। आज से अच्छा और कभी समय नहीं आएगा। निर्णय लीजिए, अपनी पहचान बनाइए, अपनी संस्कृति की स्थापना करिए, अपनी शिक्षा को डेवलप करिए, तभी हम इस स्वर्ण भारत को देख सकते हैं। ये भारत बुद्ध का है, नानक का, कबीर का है, बाबा साहब का, रविदास का है, कबीर का है। ये किसी की औकात नहीं है, किसी का भारत नहीं है। उनके घरों में तो कोई महापुरुष ही पैदा नहीं हुआ जिन्होंने देश पर कब्जा कर लिया। आपके यहाँ तो हजारों महापुरुष पैदा हुए। मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में डिजिटल कार्यक्रम चलाया था। मैं कैडो देता था डिजिटल के, शायद यहाँ भी हुआ है उन्नाव में भी। आप लोगों ने कराया था, मैंने बुक कराया था, आपने कराया था, उससे मैसेज गया कि नहीं गया? पता चला कि कितने संत गुरु महापुरुष हमारे भारत में पैदा हुए जिन्होंने बुद्ध के समता मूलक समाज की स्थापना के आंदोलन को आगे बढ़ाया। आप लोगों को ऊर्जा की जरूरत है, वो ऊर्जा मिली। आपने मन बनाया कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाऊंगा और लोगों के साथ, आम लोगों के साथ मिलकर के इस आंदोलन को आगे तक ले जाऊंगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, अगर इसे अलग देश का मान्यता दे दी जाए तो दुनिया में 7वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इतनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है, क्यों ना हम इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश से चलाते हैं। और ये आंदोलन पूरे देश में सब लोगों को अपने साथ जोड़ेगा, जिसमें बुद्ध के सपनों का भारत, बाबा के सपनों का भारत और हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों के सपनों का भारत साकार होगा। भगवान बुद्ध कहते थे शरक अभिप्रवे चारे कहीं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। बौद्ध भिक्षु चल करके जगह जगह जा जा करके धर्म देशनाएं नहीं देते, उन्हें प्रायः सम्मान नहीं मिल पाता है। मैं बौद्ध भिक्षुओं से अपील करता हूँ कि अगर आपको ज्ञान नहीं है तो बंद कमरे में हो जाइए, पहले किताबें पढ़ लीजिए, ज्ञान अर्जित कर लीजिए और गांव गांव नगर नगर गली गली जाकर लोगों को धर्म दर्शन देने का काम करिए। मैं उत्तर प्रदेश के 12,000 गांव की यात्रा कर चुका हूँ, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। आप गर्व से कह सकते हैं मेरे पास डाटा है, 18 लाख लोगों का डाटा है। उन्नाव के मेरे मोबाइल में 1,000 नंबर सेव है। कितने? 1,000 नंबर सेव है। सोचो कहां आके नंबर हमारे पास नहीं होंगे। इसलिए जब तक आप निकलोगे नहीं, लोगों के बीच में नहीं जाओगे, तब तक ये मिशन मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। मैं अपील करता हूं इस दिशा में भी आप लोग काम करें। और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद इस शॉर्ट नोटिस पर। ज्यादा ज्यादा 4-5 लोगों से मेरी बात हुई, मैं बहुत लोगों से बात ही नहीं कर पाया। उन्नाव के लोग कह रहे होंगे बंदे जी ने जब चाय पी है, खाना खाया, लेकिन मुझे फोन नहीं किया। वो खुद विचार करें कि मैं कैसे सो रहा हूँ आजकल, कैसे कहाँ कार्यक्रम लगा रहा हूँ, क्योंकि 15 जनपदों में बड़े बड़े कार्यक्रम लगे प्रतिदिन हमारे पास 250-300 फोन इस समय आ रहे हैं। कैसे अटेंड कर रहा हूँ, कैसे व्यवस्थाएं बना रहा हूँ। आपने शॉर्ट नोटिस में बहुत बड़ा सम्मान किया और ये आपका जो सम्मान है, आपका जो समर्पण है, ये पूरे देश में इसकी गूंज जाएगी। क्योंकि राज रतन जी का जो पेज है ना, उस पर लाखों लोग जुड़े थे और आज इस समय अकेला उन्नाव नहीं देख रहा है। टीवी हमारा साथ नहीं देती, अखबार हमारा साथ नहीं देते, सोशल मीडिया हमारा साथ दे रही है। इस कार्यक्रम को 50 देशों में देखा जा रहा है। ये उन्नाव का कार्यक्रम कितने देशों में देखा जा रहा है?
के लोग देख रहे हैं तो नाव के लोग जिंदा है, दमदार है, बहादुर है, सासी है, ये बाबा साहब का मिश्र बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मुझे चूंकि आगे हरदोई में जाना है और हरदोई में भी 2 घंटे यात्रा होगी और रात्रि में डीएम ने हमें फोन करके कहा कि 8 बजे के बाद आपको कार्यक्रम नहीं करने देंगे, हम पुलिस भेज देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, पुलिस भेज देना, हमें गिरफ्तार कर लेना। तो सरकार से हमें लड़ना भी नहीं है, क्यों भाई? अगर हम लड़ेंगे तो हमें केस लगा करके जेल भेज देंगे, पर हम काम नहीं कर पाएंगे। इस समय पूरा कब्जा उनका है, इसलिए संघर्ष के माध्यम से हमें उनको हराना भी है और अपने सिस्टम को भी आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी आयोजकों का, सभी आपने अच्छे काम किया। और चलते चलते एक बात और बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है, भगवान बुद्ध के स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है उसे दुनिया में मरने से कोई बचा नहीं सकता, और जो व्यक्ति समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विरासत के लिए जीता है उसे दुनिया में कभी कोई मार नहीं सकता। अगर जिंदा रहना है तो निकलो घर से बाहर, तो करो विरासत की लड़ाई, बचाओ पुरुषों का आंदोलन, और मरना है तो घर में बैठे रहिए, कोई चिंता का विषय नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कबीर को कौन मारेगा, कौन रविदास को मारेगा, कौन मान्यवर साहब को मारेगा? मरते वो है जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता जो समाज के लिए जीते हैं। बहुत बड़ी बात है, सुनना होगा, बेहतर बनना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रम भारत। थैंक यू।